60,000 वोटों से जीता कांग्रेस का बब्बर से भाजपा को लगा जबरदस्त झटका। जी हां, आपको बताया चले कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सभी 224 सीटों की रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कनकपुरा सीट पर लगातार चौथी बार जीत हासिल करके नया इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक को और जेडीएस ने बी नागराजू को डीके शिवकुमार के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन डीके शिवकुमार ने दोनों प्रत्याशियों को मैदान में धूल चटाकर लगातार चौथी बार जीत अपने झोले में डाल लिया है। बताया चले कि कनकपुरा सीट पर डीके शिवकुमार के जीत हासिल करने के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चाएं गर्म हो गई है। शिवकुमार के समर्थकों का मानना है कि क्षेत्र में वोटों का कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट करने में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई है, जिस कारण से उन्हें सीएम ही बनना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज डीके शिवकुमार ने लगातार हैट्रिक के बाद चौथी जीत हासिल कर अपना झंडा कनकपुरा सीट पर गाड़ दिया, उसके बाद से भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने राजस्व मंत्री आर अशोक को मैदान में उतारा था, जहां पर उन्हें मात्र 10,000 ही वोट जनता का मिल पाया है। वहीं डीके शिवकुमार की बात करें तो डीके शिवकुमार को करीब 70,000 से भी अधिक वोट मिला है, जिसके बाद डीके शिवकुमार का कनकपुरा सीट पर धमाकेदार जीत हासिल हुआ है, जिसके बाद से लगातार कर्नाटक कांग्रेस में खुशियां छाई हुई है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।